10 से 15 हजार का खर्चा इस वाली बस में आपने अपने पैसों से, खुद के पैसों से लगवाया। GSRTC की ऑर्डिनरी एक्सप्रेस बस है, रूट रहने वाला है हमारा राधनपुर से अंजार, 3x2 का कॉन्फ़िगरेशन है। जय द्वारकाधीश, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ फिलहाल हमारे गुजरात के राधनपुर में। आप देख लीजिए, ये राधनपुर का बस स्टेशन और टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आज की हमारी डेट ऑफ जर्नी है 2 मई 2024। तो हमारी चैनल पे चल रही है GSRTC मीन्स हमारे गुजरात गवर्नमेंट की जो भी डेकोरेशन बस है, जो भी सजाई हुई बस है, उसमें हम यात्रा करके आपको दिखा रहे हैं कि ड्राइवर साहब ने कितना सजाया है। वो सीरीज चल रही है, आज हमारा 23 नंबर का एपिसोड है। तो हमारा 23 नंबर का एपिसोड हमारे राधनपुर से स्टार्ट होगा। देख लीजिए, राधनपुर का बस स्टेशन, आज हमारी जर्नी होने वाली है GSRTC की ऑर्डिनरी एक्सप्रेस बस में। BS4 मॉडल है, मेरे पीछे ही आप खड़ी है, देख लीजिए। हमारा रूट रहने वाला है राधनपुर से अंजार तक, टोटल 250 किलोमीटर की जर्नी है, 5-6 घंटे के लगेगी। दिखाता हूँ आपको गाड़ी कैसी सजाई है, ड्राइवर साहब से मिलाता हूँ, कंडक्टर साहब से मिलाता हूँ, रूट की बात करेंगे, फेयर की बात करेंगे, अपने पैसों से गाड़ी को सजाया है, कितना पैसा उनको लगा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वर्चुअली हमारे साथ जुड़ जाइए राधनपुर से अंजार तक। तो दोस्तों, ये रही हमारी GSRTC की ओल्ड डिलक्स एक्सप्रेस, BS4 का मॉडल है, ऑर्डिनरी एक्सप्रेस बस है। रूट रहने वाला है हमारा राधनपुर से अंजार, वाया गांधीधाम, आदिपुर, सब कुछ आपको बीच में दिखाने की कोशिश करूंगा। इस टाइप से कुछ हमारे GSRTC बस को डेकोरेशन किया है अपने खुद के पैसों से, हमारे कंडक्टर साहब ने, हमारे ड्राइवर साहब ने, सब कुछ आपको इस वाले वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले हमारे जो गाड़ी में सजाया है उनको बुला लेते हैं ताकि आपको पता चले क्या क्या डिटेल्स वाइज सजाया है। तो आ चुके हमारे कंडक्टर साहब, कैसे हो? क्या नाम है आपका? संदीप राठौर। संदीप भाई, आज के हमारे कंडक्टर रहने वाला है, रूट रहने वाला है हमारा राधनपुर से अंजार। ओके, कितने बजे का टाइम है हमारी? 1:15 को यहाँ से निकलेगा, 1 बजे प्लेटफॉर्म पे लगेगा। गाड़ी में बता दीजिए क्या क्या इसमें सजाया है। साथ में 2-3 लोगों ने साथ में सजाया, देख लीजिए, रेडियम का वर्क किया, बनास डिवीजन, गुजरात ST, यहाँ पे फुमके लगाए हैं, ये वाली डंडी अलग से लगवाई है, व्हील कैप भी लगवाया है हमारे टायर पे भी, आप देख लीजिए। ये ड्राइवर कैबिन है, ड्राइवर से भी आपको अंदर से मिलवाता हूँ। मिनिमल सा जो है हमारी गाड़ी में डेकोरेशन किया है। पीछे से हमारी गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, GSRTC का रूट बोर्ड है राधनपुर से अंजार। नीचे भी आप देख लीजिए, चिटे ना उड़े इसके लिए भी जो है रबर बैंड लगवाया है, उस पर भी रेडियम का वर्क किया है। चलिए अंदर चलते हैं, आपको अंदर से इंटीरियर वो सब दिखा देता हूँ। हमारी बस का अंदर का इंटीरियर है, 3x2 का कॉन्फ़िगरेशन है। ये कंडक्टर की सीट है, यहाँ पे 52 सीट्स के साथ आती है, काफी सारी स्पेस है। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट हो गया, कंडक्टर साहब से भी हम पूरी ऑन बोर्ड बातचीत करेंगे, कितना हमको फेयर लगता है ऑन बोर्ड, हम टिकट भी लेंगे, सब कुछ आपको इस वाली वीडियो में हमारे कंडक्टर साहब हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। कचरे की पेटी भी यहाँ पे आप दी है। चलिए ड्राइवर कैबिन आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने मेरा बैग रख दिया है, आप देख लीजिए, ये हमारा ड्राइवर कैबिन है। यहाँ पे सोफा वोफा भी लगवाया, झालर लगवाई है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मिरर लगवाया है। ये हमारे आज के कैप्टन है, कैसे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजी भाई चौधरी। ओके, सो आज के हमारे कैप्टन है, इन्होंने और कंडक्टर साहब ने, एक दो ड्राइवर ने इस वाली गाड़ी में खर्चा किया है। टोटल कितना का खर्चा आप लोग लगा है? होगा 10 से 15 हजार का। 10 से 15 हजार का खर्चा इस वाली बस में आपने अपने पैसों से, खुद के पैसों से लगवाया। वाह वाह, वैसे ये राधनपुर में एक अकेली गाड़ी है जो ये वाली डेकोरेशन वाले। वाह वाह, एक शौक है, एक पैसन है आपको। यहाँ पे भी सोफा है, तो मुझे अभी इस वाली जर्नी में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, इस टाइप से कुछ हमारा राधनपुर का प्यारा सा बस स्टेशन है। हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लग चुकी है। जो पैसेंजर हो गए अंजार वाले, कच्छ वाले, उनको बोर्ड करेंगे, फिर राइट 1:15 को यहाँ से निकलेंगे अंजार के लिए। तो यहाँ से एक और जर्नी हमारी पेंडिंग है स्लीपर कोच में, यहाँ राधनपुर से हमारे सूरत तक। हमारे फ्रेंड ही, हमारे सब्सक्राइबर के पापा ही चलते हैं। सीरीज के बाद आएगी राधनपुर का बस स्टेशन है। कौन कौन है राधनपुर से मुझे बता देना। टोटल 7 प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। करंट टेम्परेचर है राधनपुर का 36 सेल्सियस।
तो दोस्तों हमारी बस निकल चुकी है, आप देख लीजिए काफी सारे पैसेंजर ऑन बोर्ड है। हमारे संदीप भाई आ चुके हैं हमें टिकट देने के लिए, तो एक लास्ट तक दे दीजिए अंजार तक। हाँ राधनपुर से अंजार, चलिए एक बार। ओके सो ये हमारी GSRTC की टिकट है। टोटल हमें 191 रुपीस लगा है फेयर और डिस्टेंस होता है 231 किलोमीटर राधनपुर से अंजार। वैसे रूट कौन सा रहने वाला है हमारा? पूरी बस जो है पैक है, आप देख लीजिए। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं हाईवे पे, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे NH27 राधनपुर से हमारा रूट हो रहा है और सांतलपुर होके फिर गाड़ेश्वर के बचाओ गांधीधाम होके जाते। पहला बस स्टॉप आया है वाराही, वाराही पहुंचे करीब 1:30 हो रहा है। तो दोस्तों दोपहर के 2 को और पहुंचे हमारे दूसरे बस स्टॉप पे सांतलपुर, देख लीजिए काफ़ी सारे पैसेंजर यहां से भी बोर्ड करेंगे। टोटल 52 किलोमीटर की जर्नी यहां तक हमने कंप्लीट की है राधनपुर से सांतलपुर तक। दोस्तों ये आ चुका है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे, वैसे मैंने आपको एक बार दिखाया हुआ है ट्रक जर्नी में। तो दोस्तों आप देख लीजिए 2:27 हो रहे हैं और पहुंचे हम आडेसर में। ये आडेसर का पिकअप स्टॉप है, वैसे कोई स्पेसिफिक बस स्टेशन नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक हमारी बस में बोर्ड कर रही है। टोटल 84 किलोमीटर की जर्नी हमने यहाँ तक कंप्लीट की है। वैसे करंट टेम्परेचर आपको दिखा दूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, देख लीजिए 36 सेल्सियस है अभी अराउंड, दोपहर का टाइम है।
वैसे अभी ये NH 27 मोरबी राजकोट होकर पोरबंदर की ओर चला जाएगा, अहमदाबाद भी जा सकते हैं। वैसे अभी हम NH 41 पे आएंगे, ये सामाखेड़ी में हमने एंट्री ले ली है, देख लीजिए मोरबी राजकोट फिर ये पोरबंदर पूरा NH 27। वैसे सामाखेड़ी को कच्छ का एंट्री पॉइंट भी माना जाता है। वैसे ये गेट आ चुका है सामाखेड़ी का, छोटा सा प्यारा सा बस स्टेशन है। आप देख लीजिए 4 बजने को और पहुंचे हम कच्छ के सामाखेड़ी में। ये कुछ है सामाखेड़ी का बस स्टेशन, 155 किलोमीटर की जर्नी तय की है। एक दो पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं, मैं निकल रहे हैं। मुंद्रा पिटोल बॉर्डर न्यू बस स्लीपर। चाणस अंजा चाणस तो दोस्तों शाम के 4:18 हो रहे हैं और अभी हम पहुंचे हमारे कच्छ के बचाव में। आप देख लीजिए मेरे पीछे बचाव का बस स्टेशन है, हमारी गाड़ी लग चुकी है, काफ़ी सारे पैसेंजर यहां पे डिपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी चल रही है भूज से गोंडल राजकोट के बाद, ये खड़ी लोकल गाड़ी है। और वैसे आप देख लीजिए मेरे पीछे GSRTC की नई गुर्जर नगरी है, जा रही है भूज से बाड़मेर। ऐसा कुछ हमारा बचाव का बस स्टेशन है। राधनपुर से 175 किलोमीटर की जर्नी हमने बचाव तक कम्प्लीट की है, बस अभी चलते हैं। वैसे आप दोस्तों देख लीजिए ये है बचाव का गेट। शाम के 5 बजने को और अभी हम पहुंचे हैं कच्छ के गांधीधाम में। आप देख लीजिए ये गांधीधाम का बस स्टेशन, और पीछे आप मेरे देख लीजिए ये जो है टेम्पररी बेसिस पे बस स्टेशन बनाया है। हमारी बस यहाँ पे खड़ी है, टोटल हमने राधनपुर से यहाँ तक 216 किलोमीटर की जर्नी तय की है। ये GSRTC की ब्रांड न्यू गुर्जर नगरी बस राजकोट से अंजार तक हमारी साथ साथ ही चलेगी, आप देख लीजिए। ठीक है राजकोट अंजार, अभी एक ही स्टेशन रह चुका है आदिपुर, फिर लास्ट में हमारा अंजार। तो दोस्तों हमारे गांधीधाम के बस स्टेशन के बगल में जस्ट हमारा गांधीधाम का रेलवे स्टेशन है, आप देख लीजिए आदिपुर 7 किलोमीटर है यहाँ से। GSRTC Volvo 9400 राजकोट भुज
तो दोस्तों वैसे 5:19 हो रहे और पहुंचे हमारे सेकेंड लास्ट बस स्टेशन आदिपुर में। यह है आदिपुर का कुछ हमारा बस स्टेशन, प्यारा सा छोटा सा, 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। गांधीधाम से आदिपुर का 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वैसे यहाँ से अभी हम 11 किलोमीटर नॉनस्टॉप चलेंगे अंजार की ओर। आदिपुर में बालाजी हनुमान, तो दोस्तों हमने हमारी जर्नी 1:15 को स्टार्ट की थी राधनपुर से और अभी 5:40 हो रहे और फाइनली हम पहुंच चुके हैं 231 किलोमीटर की जर्नी तय करके राधनपुर से अंजार में। ये है अंजार का प्यारा सा बस स्टेशन। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, हमारी बस यहाँ पे पार्क कर दी है। काफी बढ़िया ये जर्नी रही, 4.5 घंटे की हमारी जर्नी थी इस वाली बस में। कैप्टन साहब थैंक यू सो मच, आपने हमारी जर्नी मंगलमय की, हमारे साथ सपोर्ट दिखाया। वैसे आपको कितने साल हो गए GSRTC में? 6 बरस। 6 साल हो गए आपको GSR और इस वाले रूट पे? ये रूट में 2 बरस। 2 साल हो गए। और ये हमारे मास्टर, हमारे कंडक्टर साहब, आपको कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। वैसे इस वाली बस का रिटर्न टाइम कितने बजे का है? सुबह 5 बजे ये बस अभी यहाँ पे होल्ड करेगी, अभी होल्ड करेगी, नाइट होल्ड। सुबह 5 बजे जल्दी उठेंगे फिर वापस राधनपुर की ओर चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया कैप्टन। चलिए तो वैसे इस टाइप से कुछ हमारा अंजार का बस स्टेशन है, देख लीजिए। वॉल्वो 9000 चलने के लिए तैयार है भूज की ओर। वैसे यहाँ पे हमारे एक YouTube के फैमिली मेंबर हमसे मिले हैं, कैसे हो? बस बढ़िया एकदम। क्या नाम है आपका? आपका टोटल वीडियो देखता हूँ मैं, मजा आता है हमको और नया नया कुछ जानने को मिलता है हमको। कहाँ से हो? मैं इधर बचाऊ से, कच्छ। वाह वाह वाह, आपका ट्रक का वीडियो जम्मू कश्मीर का देखा, बहुत मजा आया। वाह, बाइक से जो आपने वीडियो निकाला, बाइक का पूरा सीरीज देखा मैंने। अरे यार आपका आभार है, आपका आभार, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपको देखते उधर से दौड़ के आया मैं मिलने के लिए। अरे अरे, जर्नी आपको कैसी लगी मुझे बता देना कमेंट करके। बस वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ, काफी सारी जर्नी जो है बैक टू बैक आपके लिए लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक और GSRTC डेकोरेशन बस के साथ एपिसोड नंबर 24 में। तब तक के लिए जय हिंद।